नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। और आप देख रहे हैं दोस्तों, तत्सम और तद्भव से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्जाम की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो सबसे पहले वो क्वेश्चन जाने से पहले दोस्तों हम बताएंगे आपको तत्सम होता क्या है। तत्सम का अर्थ होता है दोस्तों उसके समान। ठीक है ना, तत्सम का जो अर्थ होता है उसके समान, अगर इसका हम विच्छेद करेंगे तो तत्धन सम होता है। ठीक है ना, तत्सम होता है। और इसका तद्भव क्या होता है दोस्तों? तत्धन भव होता है। और तद्भव का जो अर्थ होता है उससे होना होता है। ठीक है ना, उससे होना। ठीक है, तो दोस्तों चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता उन्हें क्या कहते हैं? तो जिन शब्दों की उत्पत्ति को पता नहीं चलता है दोस्तों उसे कहते हैं देशज शब्द कहते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आया है कि जिस रूढ़ के कई सार्थक खंड हो सके उसे क्या कहते हैं? तो जिस रूढ़ के कई सार्थक खंड हो सके उसे क्या कहते हैं? यौगिक कहते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों कि स्वतंत्र सत्ता धारण ना करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? तो स्वतंत्र सत्ता ना धारण करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? यौगिक कहलाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों कि प्रयोग की दृष्टि से सूक्ष्म अंतर व्यक्त करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? तो समानार्थक कहलाते हैं। ठीक है ना, इसका सही आंसर हो जाएगा समानार्थक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स कि उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? तो शब्द के कितने भेद होते हैं दोस्तों? चार भेद होते हैं। ठीक है ना, और नेक्स्ट आता है कि संस्कृत में ऐसे शब्द हैं, संस्कृत के ऐसे शब्द हैं जिसे हम ज्यों का त्यों प्रयोग में लाते हैं, वह क्या कहलाता है? तत्सम कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है दोस्तों कि संकर शब्द का क्या अर्थ होता है? तो संकर शब्द का अर्थ होता है दोस्तों दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर बना शब्द, वह संकर शब्द कहलाता है। ठीक है दोस्तों, ये एग्जाम की दृष्टि बहुत ही महत्वपूर्ण, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन जो है तो इसी प्रकार के पूछे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि चाय किस भाषा का शब्द है? तो चाय जो है तो चीनी भाषा का शब्द है। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, स्टेशन किस भाषा का शब्द है? तो स्टेशन जो है तो अंग्रेजी भाषा का शब्द है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तुर्की भाषा का है? तो निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तुर्की भाषा का है? कैंची। कैंची शब्द जो है दोस्तों वह तुर्की भाषा का है। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि कौन सा शब्द देशज नहीं है? तो पुष्कर जो है तो देशज नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन कि यौगिक शब्द कौन सा है? तो यौगिक शब्द जो है दोस्तों वह पाठशाला है। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा पाठशाला। ठीक है, और योग रूढ़ शब्द कौन सा है इसमें से? लंबोदर। ठीक है ना, इसका सही आंसर हो जाएगा लंबोदर। ठीक है, तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो निम्नलिखित में से कौन सा शब्द योग रूढ़ है? तो योग रूढ़ कौन सा शब्द है दोस्तों? जलज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से रूढ़ शब्द कौन सा है? तो रूढ़ शब्द कौन सा है दोस्तों इनमें से? वैभव। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि निम्नलिखित में से रूढ़ शब्द कौन सा है? तो इसका कौन सा रूढ़ शब्द होगा दोस्तों? पशु। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है, कौन सा शब्द है यौगिक शब्द है? कौन सा यौगिक शब्द है दोस्तों? विद्यालय। ठीक है ना, आइए नेक्स्ट देखते हैं। वानर का तद्भव रूप क्या है? तो वानर का जो तद्भव रूप है दोस्तों बंदर है। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि दर्शन का तद्भव रूप है तो दर्शन। ठीक है ना, दर्शन का जो तद्भव रूप है दर्शन। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि नीचे दिए गए शब्दों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। तो कौन सा है इसका सही आंसर? मुंह। मुंह जो है तो वह तद्भव शब्द है। ठीक है, नेक्स्ट आता है दोस्तों कि नीचे दिए गए शब्दों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तो इसमें से कौन सा है तत्सम शब्द? यह है गोधूम। ठीक है ना दोस्तों, गोधूम जो है ये तत्सम शब्द है। नेक्स्ट आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? तो उद्गम। उद्गम जो है तो ये तत्सम शब्द है। ठीक है, नेक्स्ट आता है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? तो वर्षा जो है तो इसमें तत्सम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से एक शब्द का चयन कीजिए, एक तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तो इनमें से एक तत्सम शब्द कौन सा है? घोटक। ठीक है, तो मजिस्ट्रेट शब्द है, तो मजिस्ट्रेट कैसा शब्द है दोस्तों? ये विदेशज शब्द है। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लोटा। लोटा शब्द जो है दोस्तों तो ये देशज शब्द है। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि परीक्षा शब्द है, तो परीक्षा कौन सा शब्द है दोस्तों? तत्सम शब्द है। ठीक है,
नेक्स्ट आता है कि वकील शब्द, वकील किस भाषा का शब्द है? तो वकील जो है तो किस भाषा का शब्द है दोस्तों? अरबी का, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि रेलगाड़ी शब्द है, तो रेलगाड़ी जो शब्द है वो शंकर का है, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि बिभावरी शब्द है, तो बिभावरी शब्द है दोस्तों तत्सम शब्द है, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि अपील शब्द है, तो अपील कैसा शब्द है? ये विदेशज शब्द है, ठीक है ना। और मगही कैसा शब्द है दोस्तों? ये तद्भव शब्द है, ठीक है ना। मगही जो है तो तद्भव है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों कि संधि शब्द है, तो जो संधि होती है वो कैसा शब्द होता है दोस्तों? तत्सम शब्द होता है, ठीक है। और दशानन कौन सा शब्द है दोस्तों? योगरूढ़ शब्द है, ठीक है ना। नेक्स्ट आता है कमल शब्द, कमल शब्द कैसा है दोस्तों? रूढ़ शब्द है, ठीक है ना। तो दोस्तों ये रहे तत्सम और तद्भव से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बेहद इंपॉर्टेंट। दोस्तों आपको ये क्वेश्चन अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करिए, और बगल में बेल आइकॉन होगी तो आप उसको दबा दीजिए ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, ठीक है। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।